वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि लेडीज सुपरवाइजर का जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जो निकला हुआ है उसका आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन करने का क्या है प्रोसेस, कौन सा वेबसाइट में जाते हैं, आज स्टेप बाय स्टेप आज सीखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका लास्ट डेट कब है। तो इसका जो लास्ट डेट अप्लाई स्टार्टिंग डेट 26 सितंबर 2023 से हो गया और लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2023। तो महिला सुपरवाइजर ये पोस्ट सिर्फ महिला के लिए है जो ग्रेजुएशन पास है। तो जनरल के लिए 187 है, एसटी के लिए 101 है, एससी के लिए 35 है, ओबीसी के लिए 42, बीसीटू के लिए 35, ईडब्ल्यूएस के लिए 44, टोटल 444 पोस्ट है। तो इसका जो जनरल ओबीसी और बीसीटू के लिए 100 रुपये चार्ज है, एससी एसटी के लिए 50 रुपये, ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है। उम्र सीमा है इसका जनरल के लिए 38 और ओबीसी बीसीटू के लिए भी 38, एससी एसटी के लिए 40। तो ये दिया गया है अप्लाई करने का। चलिए हम अप्लाई कैसे करते हैं। गूगल में आपको टाइप करना है jssc.nic.in, जैसे nic.in जैसे आप गूगल में टाइप करेंगे आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का एक पेज आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं अप्लाई फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे अप्लाई फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन GLSEC करके आएगा, तो यहाँ से आपको क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको नया डैशबोर्ड मिल जाएगा लेडीज सुपरवाइजर का जो होम पेज। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको बोला जाएगा और विशेष जानकारी डिटेल आपको चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप डिटेल आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हमको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ आपके पूछेगा कि इंडियन सिटीजन, यस कर देना है। अगर आपके झारखंड के निवासी हैं तो यस कीजिएगा। उसके बाद जो मार्कशीट में है उसको यहाँ पे आपको नाम फिल करना है। उसके बाद आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट, अगर आप झारखंड के निवासी नहीं हैं तो ऑटोमेटिक जनरल पे हो जाएगा। और आरक्षण कोटा, अगर झारखंड के निवासी हैं तो आरक्षण कोटा से मिला जाएगा। उसके बाद आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है उसको आपको सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी पूछा जाएगा कि किस कैटेगरी में आते हैं, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। विकलांग में आते हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, या स्पोर्ट से कोई खेल से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हैं तो उसको यहाँ से कीजिएगा। और उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ फीमेल आपका सिलेक्ट रहेगा, क्योंकि नाम से ही पता चलता है लेडीज सुपरवाइजर, क्योंकि ये लेडीज महिला के लिए ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, ये करने के बाद यहाँ नाम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मोबाइल नंबर और मेल आईडी और कैप्चा डाल के रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका मेल पर जाएगा। तो इसीलिए मेल आपको प्रॉपर सही ढंग से लिखना है, क्योंकि मेल पे ही आईडी और पासवर्ड जाएगा। चलिए इसको फुलफिल करके रजिस्टर करते हैं और जो मेल में आता है चलिए हम दिखाते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे आपका सबमिट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का आ जाएगा, आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपको पासवर्ड आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे गो टू होम पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे मेल पे कीजिएगा तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे वही आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक हो जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 आपका टोटल 5 स्टेप है, जिस सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन, पेमेंट, फोटो सिग्नेचर और आपका कम्प्लीट होके कम्प्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, चूज करना है जैसे आपका लैंग्वेज टू, पेपर टू में क्या रखना चाहते हैं, आपका जो क्षेत्रीय भाषा है जिसमें जिस भाषा में पकड़ है उस भाषा को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको मैरिड अनमैरिड जो भी है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, फादर का नाम, मदर का नाम, आधार नंबर है तो लिखिएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, तिल कटा कटा या तिल का निशान जो भी है वो आपको यहाँ से लिख देना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस, अगर दोनों आपका सेम है तो सेम लिख दीजिएगा। वो लिखने के बाद आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि मैट्रिकुलेशन नाम, कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम, किस बोर्ड से किए हैं, कब पास किए हैं और परसेंटेज किया था और सब्जेक्ट किया था। फिर आपको इंटर में उसी तरह आपका जो इंटर कहाँ से किए हैं, कौन सा स्कूल है, बोर्ड क्या है, पास कब किए हैं, परसेंटेज क्या है और सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद यहाँ से ग्रेजुएशन को सेम आपको डिटेल आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे देख दीजिए, ये लेडीज सुपरवाइजर वही डाल सकते हैं जिसका सोशियोलॉजी और उसके बाद होम साइंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो जिस विषय के लिए यहाँ पे आपको शो करेगा उस विषय का डालेंगे वही आप
ऑनलाइन कर सकते हैं, अन्यथा अदर कैंडिडेट आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। इस विषय से आपने ऑनर्स किया है तब आप लेडीज सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं है। तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल डाल के उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, एक मेरा डैशबोर्ड पे नया पेज खुल के आएगा। तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिट के लिए आपको बोला जाएगा। अगर आपके कोई एक बार प्रीव्यू आप देख लीजिएगा, अगर कोई त्रुटि है तो यहाँ से एडिट करिएगा, नहीं तो फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। हमने पहले शुरू में ही बताया था कि 5 स्टेप में इसका फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन होगा, उसके बाद पेमेंट होगा। तो मेरा 2 प्रोसेसर जो टिक यहाँ पे ग्रीन लग गया है, उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पे यहाँ पे आ गया है। जैसे यहाँ पे पेमेंट होगा टिक लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट ऑफ करने के लिए 24 घंटा का टाइम होता है। जैसे आज आपने रजिस्ट्रेशन किया, अगर आपने 5 बजे शाम को रजिस्ट्रेशन किए हैं तो कल 5:30 बजे ही आपका पेमेंट होगा। उसके बाद फोटो सिग्नेचर होगा, उसके बाद कंप्लीट अपलोड हो जाएगा। फोटो और सिग्नेचर कर लिए फिर अलग से वीडियो बनाएंगे, जैसे 24 घंटा के बाद होगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट पे नहीं शो करेगा, यहाँ आपको जो है बहुत सारा साइड पे लेके चला जाएगा जो कि आपको समझ में नहीं है, क्योंकि आपका टाइम नहीं पूरा है और आप जो है यहाँ पे पेमेंट पे आ गए हैं। इसीलिए जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको झारखंड है तो यहाँ से आप झारखंड सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से जैसे आप झारखंड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाके JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जिस क्लिक किए हैं वहाँ पे आपको यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखेंगे और डाल के उसके बाद आगे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दे देगा। जब आप 24 घंटा हो जाएगा तो इतना आपको घुमाएगा नहीं, डायरेक्ट आप लॉगिन होंगे, आपको डायरेक्ट पेमेंट करने का ऑप्शन दे देगा। क्योंकि इसीलिए घुमा रहा है क्योंकि इसका अभी 24 घंटा नहीं पूरा है, हम इसको अभी से ही खोल रहे हैं इसीलिए नहीं हो रहा है। तो ये आप 24 घंटा के बाद पेमेंट कैसे होगा वो दिखाएंगे, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड कैसे होगा उसको भी बताएंगे। तो इस प्रकार आप जो है लेडीज सुपरवाइजर का फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।